नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत सी देखिए हमारी रेन लिली खिली हुई हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा देखिए बंच में खिली हुई हैं। और दोस्तों इस पॉट देखिए, आप इसको पूरी देख सकते हैं, ग्रो बैग को। इसमें देखिए कितनी सारी देखिए लगी हुई हैं। इसमें दोस्तों मैंने 5 बल्ब पिंक वाले के लगाए थे और 5 बल्ब जो है मैंने लेमन के लगाए थे। तो हालांकि देखिए दोस्तों, लेमन में अभी जो है तो बड्स निकलना स्टार्ट हो रही हैं और पिंक में देखिए एक साथ देखिए फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत देखिए फ्लावरिंग लग रही है। और दोस्तों आज मैं आपको इसी के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, येलो रेन लिली जो कि दोस्तों मेरी एक बार ब्लूम कर चुकी है, मैंने पूरा कट कर दिया और देखिए उसके बाद फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। एक यहाँ पर भी देखिए ग्रो बैग में है। मैं इनको दोस्तों बड़ा पॉट नहीं दे पा रहा हूँ, इस वजह से है, नहीं तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा दोस्तों हो जाती हैं। तो दोस्तों रेन लिली की अगर बात करें तो दोस्तों रेन लिली लगाने के लिए आप हमेशा बल्ब्स का प्रेफर करें। इनके छोटे छोटे से बल्ब्स आते हैं, जैसे छोटी छोटी प्याज होती है वैसे छोटे छोटे इसके बल्ब्स आते हैं। और दोस्तों उनको आप ला करके लगा लीजिए। दोस्तों व्हाइट वाली, येलो वाली और जो ये पिंक वाली होती है, ये दोस्तों 5 रुपये का एक बल्ब के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके सीड्स अगर आपको कहीं पर ऑनलाइन सेल पे मिलते हैं, ऑनलाइन मतलब कि दोस्तों फेसबुक में सेल पर मिलेंगे, व्हाट्स जो है फेसबुक और फ्लिपकार्ट वगैरह पे नहीं मिलेंगे। फेसबुक में दोस्तों बहुत सारे ग्रुप्स हैं, रेन लिली लवर्स ग्रुप और दोस्तों हाइब्रिड रेन लिली ग्रुप, रेन लिली हॉबीस्ट, ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे आपको ग्रुप मिलेंगे। आप वहां पर जाकर के इनके सीड्स टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। अपडेट चेक करते रहिए, किसी न किसी के पास दोस्तों इसके सीड्स वो सेल पर डालते रहते हैं। तो आप भी दोस्तों इसके सीड्स ला करके और डाल सकते हो तो इसके दोस्तों सीड बन जाएंगे, सीड इसके ग्रो हो जाएंगे। और दोस्तों उसमें तकरीबन 1 साल का वक्त लग जाता है फ्लावरिंग आने पर दोस्तों। फिर आपके यहाँ भी दोस्तों ऐसी खूबसूरत खूबसूरत सी फ्लावरिंग होने लगती है। और दोस्तों इनका बल्ब्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों तकरीबन 1 साल का हो गया और इसमें देखिए सभी में जो है 7 से 8 बल्ब्स छोटे छोटे लगभग हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों सभी में खूबसूरत सी फ्लावरिंग हो गई है। और इसमें दोस्तों आप अगर एक साथ अगर इनमें जो है फर्टिलाइज़र देते हैं तो इनमें क्लस्टर में फ्लावरिंग होती है। अगर अलग अलग दोस्तों इसमें अगर आप करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरा एक हल्दी का पौधा लगा हुआ है। ये देखिए खूबसूरत सा हल्दी का पौधा है जो कि दोस्तों एक ये देखिए 10 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत सी दोस्तों इसमें देखिए जो है तो ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारी जो रेन लिली थी तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा केवल जो है तो एक मदर प्लांट था जो कि शायद ये वाला जो आप देख रहे हैं, इससे दोस्तों मैंने 2 डिवाइड करके अलग अलग लगा दिया था। और ये दोस्तों ये सारे सीड्स से ग्रो हुए हैं दोस्तों। जो इसमें सीड्स निकलते थे, गिर जाएगा भाई, जो इसमें सीड्स निकलते थे तो वही सीड्स दोस्तों मैंने इस पर लगा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है एक छुटकी हमारी और भतीजी जो कि यहाँ पर बदमाशी कर रही है। और ये लेकर के आई है अनार के दाने जो कि हमारे इस अनार के प्लांट के अनार हैं, ये देखिए। और देखिए दोस्तों, ये मेरे पास ही घूमती रहती है। और रेन लिली की दोस्तों बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इसमें आप दोस्तों DAP और पोटास मिक्स करके और इस टाइम पे दोस्तों आप इसको दीजिए, काफ़ी अच्छी ब्लूम करती है। और आप इसको फर्टिलाइज़र दोस्तों बहुत ज़्यादा मत दे दीजिएगा, हाँ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। और दोस्तों जो इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ भी इस टाइम चलती रहती है। तो होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय।